अब देखो टोटल कितना हो रहा था इनका 7 डेज का 27, तो यहां पर देखो यही चीज तो हमने रखा हुआ था। देखो अब इसमें चाहे क्वेश्चन में रख करके आप देख लेंगे ना आ जाएगा। जैसे मान लो ये क्या था भाई, इसमें एक्स्ट्रा चार्ज ये है और ये पर डे के चार्ज पड़ रहे हैं, मतलब 4 डेज का इतना था। एक्स की जगह पर हम क्या रखते हैं, एक्स की जगह पर 15 रख देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 के दूसरे क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, और यही आपके इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है यार। हम लोगों ने इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं ना, सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से जो भी आपको वीडियो देखना हो देख सकते हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपका यार एलिमिनेशन मेथड पर बेस्ड है, मैं हर एक क्वेश्चन में बताया हूँ आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से। और अगर आप नए भी है ना, तो भी आपको ये क्वेश्चन उतना ही समझ में आएगा जितना कि पुराने स्टूडेंट को, ठीक है। तो यहां पर आपको चलो आओ देखते हैं कि क्या इसमें क्वेश्चन में दिया गया है और क्या हमको करना है, ठीक है। तो देखो पहले आपको दिया गया है कि ए लर्निंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, मतलब कि एक लाइब्रेरी है उसमें क्या है कि फर्स्ट 3 डेज के लिए आपसे एक फिक्स चार्ज लिया जाता है, ठीक है। किसके लिए आगे अभी आपको दिखेगा, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, मतलब कि उसके बाद आपको प्रतिदिन के लिए एक एडिशनल चार्ज देना पड़ता है, ठीक है, वो अलग से आपको चार्ज देना पड़ता है। अब कह रहा है कि भाई सरिता पेड रुपीज यानी कि RS 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज, यानी कि इसमें ये कह रहा है कि सरिता ने मतलब एक हफ्ते के लिए एक बुक लिया और उसको देना पड़ा कितने रुपए, 27 रुपए। और यहीं पर आपको कह रहा है कि वाइल सूजी पेड रुपीज 21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज, यानी कि कह रहे हैं कि सूजी ने जब लिया तो उसने 5 डेज के लिए बुक लिया लेकिन उसको कितने देने पड़े, 21 रुपीज, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ठीक है, ईच एक्स्ट्रा डे जो, अब देखो यार हमने बताया कि आपसे जो पूछा जा रहा हो उसी को हम एक्स एंड वाई मान लेते हैं। देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज को हम मान लेते हैं एक्स एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, तो एक्स्ट्रा डे के लिए जो चार्ज लग रहा है उसको हम वाई मान लेते हैं। तो यहां लिखना पड़ेगा हमको कि भाई सॉल्यूशन में, ठीक है, क्या लेट द फिक्स्ड चार्ज क्या हो जाएगा आपका x, अभी हम लोग इसको मान रहे हैं, एंड कह रहा है कि भाई द चार्ज फॉर ईच डे एक्स्ट्रा डे, तो चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे क्या हो जाएगा y, ठीक है। तो यहां पर x हमने मान लिया क्या, फिक्स्ड चार्ज, एंड जो एक्स्ट्रा डे में लग रहा है पर डे का उसको हमने वाई मान लिया। अब देखो क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि भाई सरिता पेड RS 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, ठीक है। तो देखो यहां पर फर्स्ट 3 डे का कितना लग रहा है, एक्स रुपए, और अगर 7 में से हम 3 माइनस करते हैं तो कितने डेज हो जाएंगे, 4 डेज, ठीक है। तो 4 डेज का कितना अगर लगेगा, पर डे का वाई लग रहा है तो 4y हो जाएगा, यहां पर 4y लिखते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाकर कितने रुपए देने पड़ेंगे भाई, पूरा कुल मिलाकर इनको 27 रुपए देने पड़े हैं, यानी कि ये देखो जो फिक्स्ड चार्ज है प्लस एक्स्ट्रा चार्ज मिलाकर कितना हो रहा है 27, ये समझ में आया आपको। तो ये क्या बन गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसी तरीके से आपको इसमें भी करना है, सूजी ने कितने रुपए दिए हैं 21, लेकिन कितने डेज के लिए, 5 डेज के लिए, तो 3 दिन के लिए तो फिक्स्ड चार्ज है, और उसमें देखो यहां फिक्स्ड चार्ज हमने माना है क्या x, अब 5 डेज के लिए उन्होंने लिया था तो 5 में से हम 3 माइनस कर देते हैं तो 2 हो गया 2 डेज, और 2 डेज का उनका कितना आ रहा है जो एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2 डेज की अगर बात करें तो 1 डे का है y, तो 2 डेज का हो जाएगा कितना 2y, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा, यानी कि उनका कुल मिलाकर के इतना ही लग रहा है तो इन दोनों को ऐड ही करने पर तो लगेगा, और ये क्या हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन।
बस यही यार हमको अभी इक्वेशन निकालना था, अब इसके बाद हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि दोनों इक्वेशन में x या y का किसका कोफिशियंट सेम है। तो यहाँ पर अगर x का देखेंगे तो दोनों का कोफिशियंट सेम है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट करने पर क्या होगा भाई, ये जो दोनों में x दिख रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा और हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। और y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यही हमको करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि क्या सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ लिखते भी हैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो देखो यहां पे पहले इन दोनों को लिख लेते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है, x प्लस टू वाई 21, ठीक है। अब यहां क्या है, x प्लस फोर वाई इक्वल में 27, क्योंकि माइनस हम करने वाले हैं तो क्या होगा, माइनस करने पर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, यानी कि यहाँ प्लस था माइनस, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इक्वेशन सेकंड को ऊपर रखना चाहते हैं और इक्वेशन फर्स्ट को नीचे रखना चाहते हैं, तब सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, आएगा आपका आंसर वहीं। तो यहाँ से देखो, अब क्या एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा अपोजिट साइन है, ठीक है। अभी मैंने यही बताया कि एलिमिनेशन, अच्छा एलिमिनेशन यही होता भी है, ठीक है, एलिमिनेट कर रहे हैं ना हम लोग। अब देखो यहाँ पर 2y है और यहाँ पर माइनस 4y है, ठीक है। 2y में से 4y अगर माइनस करते हैं या फिर 4y में से 2y माइनस करते हैं तो कितना होगा भाई, 2y हो जाएगा, ठीक है। लेकिन साइन किसका लगेगा, ये ध्यान देना, माइनस का, क्योंकि बड़े बड़े जो नंबर होता है उसी का साइन लगता है, ठीक है, उसके सामने जो होता है, और 4 के आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। अब यहाँ पर ऐसे ही 27 में से 21 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना, 6। लेकिन वही है कि क्या लगेगा यहाँ पर, माइनस का साइन, क्यों, क्योंकि 27 है बड़ा और बड़े नंबर के आगे का साइन लगता है और यहाँ पर माइनस है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। दोनों तरफ माइनस है तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, 2y इक्वल का 6 आया और y इक्वल टू 6 अपॉन 2 आया। अब 6 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या आई आपकी y की वैल्यू, 3। क्या आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई, देखो कितना इजी से आ गया। अब इस y की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए चाहे इक्वेशन सेकंड में आप रख दीजिए, दोनों से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। चलो मैं यहाँ पर रखता हूँ इस वाले इक्वेशन में, यानी कि इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। आप लोग लिख भी दीजिएगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, या फिर तुमको जो पसंद है, अगर सेकंड पसंद है सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या, x की जगह पर x ही रहेगा और y की जगह पर हम क्या रखेंगे, 3। तो 2 इंटू 3 इक्वल में 21 हो जाएगा। x कितना है भाई, 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, इक्वल में 21 हो गया, ठीक है। अब 6 को उस तरफ भेजते हैं क्योंकि x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 21 माइनस 6 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 21 में से 56 माइनस होगा तो कितना होगा, 21 में से 6 माइनस होगा तो कितना आएगा, 15 आएगा आपका, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 15, y की वैल्यू 3 आ गई। अब यहाँ पर देखो हमने ये माना क्या था कि लेट द फिक्स चार्ज x और x की जगह पर हमारा कितना आया, 15, ठीक है। तो ये 15 कितना था आपका, फिक्स चार्ज था, और कह रहा कि पर डे का जो आपको चार्ज पड़ रहा था वो कितना होगा भाई, वाई माना था, तो वाई का मतलब है कि 3, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 3 लिख देते हैं। अब देखो टोटल कितना हो रहा था इनका 7 डेज का, 27। तो यहाँ पर देखो यही चीज़ तो हमने रखा हुआ था, देखो अब इसमें चाहे इक्वेशन में रख करके आप देख लेंगे ना आ जाएगा। जैसे मान लो ये क्या था भाई, इसमें एक्स्ट्रा चार्ज ये है और ये पर डे के चार्ज पड़ रहे हैं, मतलब 4 डेज का इतना था। एक्स की जगह पर हम क्या रखते हैं, x की जगह पर 15 रख देते हैं प्लस 4 और ये क्या हो जाएगा, 4 3 जा, ठीक है। अब इन दोनों देखो 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 प्लस 15 और 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 27, या फिर इसमें रखोगे तो 27 ये आ ही रहा है, ठीक है। इसका मतलब दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो आपका जो आंसर आया है, जो वैल्यू आई है वो सही आई है। तो यार ये आपका लास्ट क्वेश्चन था,
होप कि आपको इसमें सारी की सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। बट कोई भी अगर आपका क्वेश्चन होता है यार, तो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसका आंसर हम देंगे। लगता है कि इस पर अलग से वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा यार, ठीक है। तो उसकी आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, बस आप अपनी प्रॉब्लम हमें बताइए कि क्या आपको दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। तो ये आपका यार लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। अब ये एक्सरसाइज हमारा क्या हो गया, एंड हो गया। बट सारे के सारे जो लिंक होंगे ना सारे वीडियोस के, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते रहेंगे, चाहे आगे के भी पार्टों में हो, ठीक है। जो भी खत्म होगा वो आपको मिल जाएगा पीछे डिस्क्रिप्शन में, मतलब उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी सॉरी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, वो है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर। तो अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे, और उसी में हम समझेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है यार, ठीक है। तो आज की यार क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।